हाय, दिस इज मूवीज मास्टर और आज मैं आप लोगों को जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है अगली डकलिंग सीरीज डोंट, जो कि एक थाई यूथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। मी नॉम एक बहुत ही शाय और इनसिक्योर टीनेजर गर्ल है जो हमेशा अपने सिर पर एक बॉक्स पहने रहती है। वह एक स्ट्रेंज कंडीशन से सफा कर रही है जिसकी वजह से उसे अपना फेस बिल्कुल पसंद नहीं है और वह सोचती है कि वह दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान है और इसलिए उसे दूसरों को अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। इनफैक्ट उसने अपना फेस मिरर में 3 साल से नहीं देखा है और घर के बाहर कदम भी नहीं रखा है। मीनॉम अपने भाई प्लोवान और अपने पिता मिस्टर बॉन के साथ रहती है और उन्हें भी उसकी चिंता लगी रहती है। एक दिन उसका भाई प्लोवान एक चोट के साथ घर वापस आता है जो उसे एक दुकान से सामान उठाकर भागते हुए लगा था, तो वह उन्हें दिखाता है। लेकिन वह खुद को मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए अपने पिता का अटेंशन उसकी बहन की तरफ कर देता है, यह बोलकर कि मीनॉम एक साइको की तरह हरकत कर रही है। जब मीनॉम परेशान हो जाती है तो उसके कंडीशन के कारण उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और जब उसका भाई उसे ऐसा कहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन मिस्टर बॉन को इन सब की आदत है, वह मीनॉम को शांत कराते हैं। फिर बाद में मीनॉम एक ब्लॉग में अपनी लाइफ स्टोरी बताती है कि वह कैसे एक बदसूरत लड़की बन गई। यह एक सरप्राइजिंग बात है कि 13 साल तक वह एक नॉर्मल लड़की थी, उसके भी दोस्त थे, उसका एक अच्छा सोशल लाइफ था और वह एक कॉन्फिडेंट लड़की की। लेकिन एक बार जब वह मिडिल स्कूल में थी तो वह क्लास के सबसे हैंडसम लड़के को पसंद करने लगी। उसे वह लड़का इतना पसंद था कि एक दिन सभी के सामने उसने उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन उस लड़के को वह पसंद नहीं थी, इसलिए वह उसका गिफ्ट फेंक देता है और उसे एक बदसूरत लड़की कहता है और कहता है कि तुम्हारा फेस इतना डरावना है कि तुम्हें अपने फेस पर एक बैग पहन लेना चाहिए। और उसके क्लासमेट भी यह बात सुनकर उसे बदसूरत कहने लगते हैं। उस इंसिडेंट से उस बेचारी लड़की को इतना सदमा लगा कि उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मिस्टर बॉन ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी हालत देखकर उन्होंने मीनॉम की बात मान ली और उसे होमस्कूल्ड करा दिया। उसके बाद मीनॉम ने 1 साल तक मिरर नहीं देखा और वह बाहर भी नहीं गई। लेकिन एक दिन जब वह एक बलून को निकालने की कोशिश कर रही थी तो एक अनजान आदमी उसकी मदद करने के लिए आया। लेकिन तभी मीनॉम अपने फेस छुपाने के लिए एक पेपर बैग अपने सिर पर लगा लेती है और तब उसे एहसास होता है कि वह सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील तब करती है जब उसका फेस ढका होता है। फिर फेस पर बैग पहनने से उसे अच्छा लगने लगा, इसलिए उसके बाद उसने अपना फेस कभी किसी को नहीं दिखाया। समय के साथ बैग एक बॉक्स में बदल गया क्योंकि वह ज्यादा स्टेबल था। उसके फैमिली वाले भी उसका फेस बहुत कम ही देख पाते थे क्योंकि वह अपना फेस उन्हें भी नहीं दिखाती थी और वह मिरर भी नहीं देखती थी। मीनॉम अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर अनजान रहकर लोगों से बात करते हुए बिताती थी क्योंकि ऑनलाइन उसे कोई देख नहीं सकता था। उसके अगले दिन मिस्टर बॉन एक डॉक्टर के पास मीनॉम के इलाज के लिए पूछने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि मीनॉम बीमार नहीं है, उसे बस एक परेशानी है जिसका नाम हिकिकोमोरी है, जो कि टीनेजर्स को होता है जब वे अपने रूम में बहुत लंबे समय के लिए अकेले रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। और डॉक्टर यह भी कहते हैं कि मीनॉम का केस ज्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि वह अपने परिवार वालों से बात कर लेती है, इसलिए उसके पूरे ठीक होने के बहुत चांसेस हैं। तो डॉक्टर उनसे कहती है कि मीनॉम को जबरदस्ती बाहर निकालना होगा इससे पहले कि वह अपनी फैमिली से भी बात करना बंद कर दे। घर में मीनॉम एक स्ट्रॉ से डिनर खाती है और अपना फेस दिखाने से मना कर देती है। फिर मिस्टर बॉन भारी आवाज में अपने दोनों बच्चों को उनकी बात सुनने को कहते हैं, लेकिन वे बच्चे उनकी बात नहीं सुनते और उनका बिहेवियर देखकर उन्हें लगता है कि या तो उन्हें कैंसर हो गया है या फिर वह गे हैं। तो मिस्टर बॉन बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस यह कहना चाहते हैं कि मीनॉम कल से अपने भाई के साथ स्कूल जाएगी। मीनॉम सोचती है कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, तो मिस्टर बॉन बताता है कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं और वह अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। उसके पिता की बात सुनकर प्लोवान भी हैरान हो जाता है, तो मीनॉम गुस्से से उन्हें बुरा कहती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर वह सोचने लगती है कि अगर वह स्कूल जाएगी तो सब उसके बॉक्स को देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर वह सोचती है कि बदसूरत बोले जाने से अच्छा तो उस बॉक्स के लिए मजाक उड़वा लेना ही ठीक है। कुछ देर बाद प्लोवान उसके रूम जाकर उसे एक नया बॉक्स देता है और कहता है कि बॉक्स को डेकोरेट करने में वह भी मदद करेगा। उसके बाद मीनॉम पहली बार अपना बॉक्स हटाती है और हमें उसके फेस दिखाया जाता है, लेकिन उसका फेस तो बहुत खूबसूरत होता है और उसे ये बात पता भी नहीं है। फिर उसका भाई उससे कहता है कि वह किसी को भी उसका मजाक उड़ाने नहीं देगा, लेकिन यह सुनकर भी मीनॉम को अच्छा महसूस नहीं होता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर न्यू बॉक्स को डेकोरेट करने लगते हैं।
अगले दिन मिस्टर बॉन अपने बच्चों को कार में स्कूल पहुंचा देते हैं। फिर प्लोवान कार से उतर जाता है, लेकिन मैं नॉम डरने लगती है तो उसे शांत कराने के लिए उसके पिता एक अच्छा गाना लगाते हैं और उसे जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं नॉम भी उन्हें बुरा बोलने के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं नॉम कार से बाहर जाती है, मिस्टर बॉन उसकी चिंता से रोने लगते हैं। फिर मैं नॉम नर्वस होकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके बॉक्स की वजह से सभी का अटेंशन उसकी तरफ हो जाता है। फिर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके बारे में बात भी करने लगते हैं और कुछ लोग उस पर हंसने भी लगते हैं, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वह अपने पुराने समय को याद करने लगती है जब सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर वह बेहोश होने वाली रहती है, लेकिन तभी एक लड़का जिसने हेलमेट पहना था उसे आकर बचा लेता है और उसका हेलमेट देखकर मैं नॉम को भी अच्छा महसूस होने लगता है। फिर वह लड़का अपना नाम मिंटन बताता है, लेकिन मैं नॉम नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वह गलती से स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। वह उसे अपना बॉक्स हटाने को कहता है क्योंकि वह उसका चेहरा देखना चाहता है, लेकिन जब मैं नॉम उसकी बात मानने से मना कर देती है तो वे लोग उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती ही उसका बॉक्स हटाने की कोशिश करते हैं। तभी मिंटन वहां आकर उन्हें रोकता है और अपना हेलमेट निकालता है। फिर जीरो और मिंटन गुस्से से एक दूसरे को देखने लगते हैं और इस लड़ाई को स्कूल के बाहर सॉल्व करेंगे कहते हैं। उसके बाद मिंटन में नॉम का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैं नॉम नर्वस होकर क्लास के सामने खड़ी है। फिर टीचर क्लास को उसके कंडीशन के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि वे लोग में नॉम की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, लेकिन वे लोग टीचर की बात नहीं मानते और मैं नॉम का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे अपना चेहरा दिखाने को कहते हैं। मिंटन उसी क्लास में होता है और अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर से गुस्सा हो जाता है। फिर मैं नॉम चुपचाप चलते हुए क्लास के सबसे पीछे वाले सीट में बैठ जाती है और वह अपना ज्यादातर टाइम हेड डाउन करके रहती है। फिर लंच ब्रेक के टाइम में वह कैफेटेरिया जाती है और अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती। सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं। तभी दो लड़के उसे बॉक्स के साथ खाते हुए देखते हैं तो उसके पास आकर जबरदस्ती उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं बजाय कि उसकी मदद करने के। तो मैं नॉम अपना खाना छोड़कर रोते हुए बाहर चली जाती है और जब वह प्ले ग्राउंड में अकेली होती है तो मिंटन उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसके हेलमेट को देखकर उसे लगता है कि वह उसका मजाक उड़ाना चाहता है। मिंटन उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बस हेलमेट पहनना पसंद है इसलिए वह पहनता है। फिर वह अपना सैंडविच उसे देता है क्योंकि वह अपना खाना पूरा नहीं खा पाई थी। तो मैं नॉम को अच्छा महसूस होने लगता है। फिर कुछ देर तक वे लोग बात करते हैं और हंसते हैं, लेकिन तभी वह बताती है कि वह अगले दिन से स्कूल नहीं आएगी। मिंटन उसे बताता है कि वह उसका दोस्त है और उसे स्कूल आते रहने को कहता है, भले ही वह उसका अकेला दोस्त क्यों ना हो। फिर स्कूल के बाद मिंटन और जीरो एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे स्कूल के बाद दोबारा मिलेंगे। फिर वे दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं और मिंटन जीरो से कहता है कि वह हमेशा अपने मिनियंस के साथ ही घूमता है और उसे एक वन ऑन वन फाइट के लिए चैलेंज करता है और जीरो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपने दोस्तों को पीछे रहने को कहता है। मिंटन जीरो को पहला पंच मारता है और बदले में जीरो भी उसे उतना ही पावरफुल पंच मारता है। फिर में नॉम अपने घर जा रही होती है, तभी वह उन्हें लड़ते हुए देखती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। जीरो में नॉम को देख लेता है और फिर खींच कर अपने साथ ले जाता है। फिर जब वे लोग एक शांत जगह पहुंच जाते हैं तो जीरो जबरदस्ती में नॉम का बॉक्स निकाल लेता है। फिर एक क्लाइमेटिक सीन में हमें उसका फेस दिखाया जाता है। फिर जीरो जब उसे देखता है तो वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता, मगर मैं नॉम सोचती है कि वह उसे इसलिए घूर रहा है क्योंकि वह बदसूरत है। और फिर वह अपने पास्ट को याद करने लगती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब वह जागती है तो उसके सिर पर बॉक्स नहीं होता है तो वह पैनिक होने लगती है, इसलिए उसे एक मास्क पहना दिया जाता है उसे शांत करने के लिए। और उसके पिता को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगता है उसे जबरदस्ती स्कूल भेजने के लिए। और वह में नॉम से कहता है कि वह स्कूल जाना नहीं चाहती तो ना जाए, लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं जब में नॉम बताती है कि वह स्कूल जाना चाहती है क्योंकि वह जीरो से बदला लेना चाहती है। फिर अगले दिन जीरो जब अकेला होता है तो वह में नॉम के बारे में सोचता है और वह कंफ्यूज हो जाता है कि में नॉम इतनी सुंदर है फिर भी वह अपने फेस को ढककर क्यों रखती है। फिर तभी अचानक में नॉम आ जाती है और जीरो को एक थप्पड़ मारती है जो उसने पिछले दिन किया था उसके लिए। तो फिर जीरो के मिनियंस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जीरो उन्हें रोकता है और खुद में नॉम का मास्क उतारने लगता है। तभी मिंटन आकर उसे रोक लेता है। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं तो मैं नॉम उन्हें रोक लेती है।
फिर स्कूल में यह बात फैल जाती है कि दो हैंडसम लड़के बॉक्स वाली लड़की के लिए लड़ रहे थे। फिर मैं नॉम उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरा जीना और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। तो मिंटन कहता है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता था। तो जीरो हंसने लगता है और कहता है कि मिंटन में नॉम को पसंद करता है जैसे वह खुद भी में नॉम को पसंद करता है। तो मिंटन जीरो को कहता है कि क्या वह में नॉम को प्रपोज कर रहा है। तो जीरो इस बात से मना कर देता है और गुस्से से कहता है कि मैं नॉम बदसूरत है। और यह सुनकर मैं नॉम फिर अपने पुराने टाइम के बारे में सोचने लगती है और बेहोश हो जाती है। फिर मिंटन उसकी मदद करता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें देखकर जीरो जालस महसूस करता है। अगले दिन से मैं नॉम फिर अपने पुराने इनसिक्योर फेज में आ जाती है और अपने रूम से नहीं निकलती और किसी से बात करने से भी मना कर देती है। फिर मिस्टर बॉन और प्लोवान सोचने लगते हैं कि कैसे उसकी मदद किया जाए। तभी कोई बाहर से उन्हें आवाज देने लगता है, तो वह जीरो होता है जो अपनी गलती के लिए मैं नॉम से माफी मांगने आया होता है। लेकिन मिस्टर बॉन उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नॉम के सिचुएशन का कारण वही है। अगली सुबह मिंटन में नॉम के घर उसे चेयर अप करने आता है, लेकिन वह उसे भी अंदर आने से मना कर देती है। लेकिन जब वह बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है तो वह मास्क पहनकर उससे मिलने निकाल जाती है। लेकिन वह ये देखकर हैरान हो जाती है जब मिंटन उसे डक बॉक्स दिखाता है जिससे वह अपना फेस छुपा सकती है। और मैं नॉम भी यह देखकर हंसने लगती है। मिंटन ने खुद के लिए भी एक डक हेलमेट बनाया होता है। फिर वे दोनों अपना अपना हेलमेट पहन लेते हैं और साथ में खाना खाते हैं। तो मिंटन प्रॉमिस करता है कि वह उसका ख्याल रखेगा और उसे स्कूल जाने के लिए मना लेता है। अगली सुबह मिंटन में नॉम को स्कूल पहुंचा देता है। फिर जब वह अकेली होती है तो जीरो उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी प्लोवान वहां आ जाता है और उसे वहां से भगा देता है। बाद में एक लड़की जिसका नाम ओजोन है में नॉम के पास आती है और उससे एक फेवर मांगती है। स्कूल में एक रूमर फैल गया है कि में नॉम और जीरो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वह उससे कहती है कि वो जीरो को दूसरों को परेशान करने से मना कर दे क्योंकि उसे लगता है कि जीरो में नॉम की बात मान जाएगा। में नॉम उसे इन सब से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर लंच टाइम में भी बहुत से लोग में नॉम से फेवर मांगने आते हैं, लेकिन वह उन सबको भी मना कर देती है। लेकिन तभी में नॉम को बताया जाता है कि जीरो उसके भाई को मार रहा है। तो वह दौड़कर उन्हें देखने जाती है तो देखती है कि जीरो के मिनियंस उसके भाई को मार रहे होते हैं। जीरो उन्हें रोकता है और कहता है कि प्लोवान ने लड़ाई शुरू की थी। गुस्से में नॉम कहती है कि जीरो एक गुंडा है जो अपने से कमजोरों को होमवर्क और पैसों के लिए परेशान करता है। जीरो अपने मिनियंस की तरफ देखता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वे लोग अपने से कमजोर लोगों को परेशान न करें। जब मैं नॉम उससे कहती है कि वह दूसरों को परेशान करना बंद कर दे तो वह कहता है कि अगर मैं नॉम अपना बॉक्स हटा दे तो फिर अब से वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा। मैं नॉम के पास कोई और रास्ता नहीं होने के कारण वह अपना बॉक्स हटा देती है और सभी को अपना फेस दिखा देती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह दौड़कर जाती है और रोते हुए मिंटन को गले लगा लेती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने भी उसे पहली बार देखा है, लेकिन वह उसे शांत करने में फोकस करता है। बाद में उसके घर में प्लोवान में नॉम को सभी के कमेंट्स दिखाता है जो किसी ने उसका पिक्चर पोस्ट कर दिया था उस पे किया था। हालांकि सभी कमेंट्स पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी मैं नॉम यह नहीं मानती कि वह सुंदर है। फिर वह अपने रूम चली जाती है तो देखती है कि जीरो खुले हुए खिड़की से उसके रूम आ जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। फिर वह मैं नॉम से उसे बदसूरत कहने के लिए उससे माफी मांगता है और वह यह भी कहता है कि उसने मैं नॉम से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा है। फिर वह वहां से चला जाता है। जीरो की बातें में नॉम के दिमाग में चलती रहती हैं, इसलिए वह अपने इंटरनेट फ्रेंड से अपने स्कूल पेज से उसके पिक्चर को देखने को कहती है। फिर जब वह उसे बताती है कि वह कितनी क्यूट है तो में नॉम को रियलाइज होता है कि सभी सच बोल रहे होंगे। फिर 3 साल में पहली बार वह अपना मिरर निकालती है और अपना फेस देखती है तो वह पाती है कि वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। उसे यह देखकर यकीन नहीं होता। उसके अगले दिन में नॉम बिना बॉक्स पहने हुए स्कूल जाती है। सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और बात करने लगते हैं, लेकिन वे लोग इस बार उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। मैं नॉम नर्वस रहती है, लेकिन वह अपने न्यू लाइफ को कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है और इसी तरह मूवी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।